भाई राम राम सारे भैया ने। आज बीजेपी के प्रत्याशी नारणुन से अभिमन्यु जी पूरा दिन अपने एजेंटों के बीच रहे। दो तीन जगह उन्होंने मीटिंग ली और उन्होंने बड़ी गजब की शिक्षा दी कि भाई सुबह सुबह अपने वोट भुगताने का काम करो और फिर सारा दिन रखो झगड़ा, पूरा दिन झगड़ा करना है। पोलिंग कम होगी तो बीजेपी को फायदा होगा। कमाल की बात है, ऐसा व्यक्ति जो किसी समाज का नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति जो मतलब गाँव में इतनी फूट डाल रहा है, भाईचारे को आपस में लड़वाने का काम कर रहा है और कमाल की शिक्षा दे रहा है और अपने आप को पढ़ा लिखा भी बोलता है और फिर शिक्षा दे रहा है अपने एजेंटों को कि गांव में झगड़ा करो, भाईचारा बिगाड़ो, पोलिंग कम होनी चाहिए। मतलब इसने अपनी जमानत बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे लोगों के सिर फूटे, कुछ हो चाहे। लेकिन साथियों, मेरी प्रार्थना है आपसे, कोई साथी आपस में झगड़ा नहीं करेगा। चुनाव साथियों 5 साल में एक बार आते हैं। भाईचारा जो होता है गांव में, हर रोज़ एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है और भाईचारा मजबूत होना चाहिए। भाईचारा आपसी प्रेम प्यार से चलना चाहिए। तो मेरी साथियों से प्रार्थना है भाई, आज पूरी रात ठीकरी पहरा लगाना है। सभी साथी पहरे पर रहेंगे, हर साथी हर गांव में पहरेदारी करेगा ताकि कोई अनजान व्यक्ति शराब का पैसे का गाँव में आवागमन ना हो सके, कोई अनजान व्यक्ति आपके गाँव में आके आपके भाईचारे को नुकसान ना पहुँचा सके। मेरी सभी युवा साथियों से, मेरी टीम के सभी साथियों से प्रार्थना है भाई, पूरी रात पहरेदारी करो। सुबह 5 बजे बूथों पे पहुंचना है भाई अपन, क्योंकि हमारे लिए परीक्षा की ये 5 साल की अंतिम परीक्षा की घड़ी है और पूरा जी जान अपन लगाना है भाई, और पूरा जी जान लगा के पूरी मेहनत अपन करनी है भाई। तो सारे साथी बूथों पर पहुँच के और भाई पूरे भाईचारे के साथ, शांति के साथ, दूसरे एजेंटों के साथ भाईचारा बना के पूरा दिन चुनाव में पोलिंग करवाने का, ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हमने करवाने का काम करना है। टिक मार्क रखो पूरी टीम का, सभी साथी की, भाई कौन सा साथी जो बाहर बैठा है, जो एजेंट बताए कि भाई वो साथी नहीं आया, और भुगतान करने का काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग करो ताकि इन बीजेपी वालों को ये सबक सिखाया जाए कि जो हमारे गाँव का ताना बाना भाईचारे का तोड़ना चाहते हैं, इनके मुँह पर करारा तमाचा लगे जो हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। और साथियों मेरी सभी से प्रार्थना है, आपसी भाईचारे को मजबूत करके पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव को संभालने का काम करना है। कल 6 बजे तक पोलिंग है, हर साथी को 6 बजे से पहले स्कूल में अपने परिवार को पोलिंग बूथ पे लेके जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग करवाने का काम करो, क्योंकि वोट हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और इसका प्रयोग हर साथी को करना चाहिए। और साथियों पूरी शांति और भाईचारे के साथ मजबूती के साथ हमें खड़े रहना है। गाँव में दारू शराब पैसे जो ये लोग बीजेपी वाले बांटने का काम कर रहे हैं, आप चिंता मत करो, मैं पूरी रात जग रहा हूँ और फोन पे हूँ मैं पूरी रात। कहीं भी कोई गड़बड़ होती है तो आप बताओ, बेशक इलेक्शन कमीशन सो रहा है, बेशक प्रशासन सो रहा है, लेकिन आपका ये भाई जस्सी पिटवड़ जाग रहा है। चिंता मत करो मेरे भाइयों, आप साथ हो तो कोई ताकत कांग्रेस पार्टी को इस जीत से नहीं रोक सकती, आपको जीत से नहीं रोक सकती। आप सभी साथियों से मेरी प्रार्थना है, आज रात, केवल आज रात, चुनाव में रात लगती है, ये वही रात है। आज रात सभी साथी पूरी जिम्मेदारी के साथ गांव में ठिकरी पहरा दो, और कुछ साथी नहीं सारे साथी अपनी जिम्मेवारी निभाओ और अपनी जिम्मेवारी अलग अलग चौकों पे, अलग अलग रास्तों पे निभाने का काम करो भाई, और बीजेपी को दिखा दो कि हमारा भाईचारा बहुत मजबूत है।